मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह की अमानवीय घटना घटी उससे कौन वाकिफ नहीं है। पूरा देश इस वक्त आक्रोश में है। फिल्मी सितारों से लेकर बड़े छोटे नेता सभी इस शर्म से पानी पानी कर देने वाली घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद केंद्र ने ट्विटर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मणिपुर का वो वीडियो हटाने को कहा जिसमें दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया गया है। इसका संविधान के सेक्शन 69A यानी कि धारा 69A से क्या संबंध है, आइए समझते हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाने वाले वीडियो को वायरल होने के बाद राज्य में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। हालात इतने बिगड़े कि पूरा देश केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मणिपुर में दो महीने से हो रही हिंसा पर एक्शन न लेने के खिलाफ आक्रोशित है। कल महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा बयां की। देश के मुख्य न्यायाधीश ने भी पूरे मामले को संज्ञान में लिया, साथ ही ये तक कहा कि यदि केंद्र सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्शन लेगा। जिसके बाद अब केंद्र ने ट्विटर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल वीडियो हटाने को कहा है। सरकार की मांग के जवाब में वीडियो साझा करने वाले कुछ अकाउंट्स के ट्वीट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। केंद्र ने सेक्शन 69A के जरिए सोशल मीडिया कंपनियों से वीडियो को हटाने को कहा है। आपको बता दें, सेक्शन 69A सरकार को अधिकार देता है, अगर केंद्र या राज्य सरकार को लगता है कि किसी कंटेंट को ब्लॉक करना जरूरी है, कोई कंटेंट देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ये फैसला ले सकती है। देश और राज्य की रक्षा के लिए ये सेक्शन सरकार को पावर देता है। कानून कहता है कि सरकार लिखित में या सीधे तौर पर ऐसी एजेंसियों या कंपनियों को निर्देश दे सकती है और ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कह सकती है। कानून कहता है ऐसे किसी भी निर्देश को जारी करने से पहले सरकार उसे रिव्यू कमेटी के पास भेजेगी। इसके बाद उसे सोशल मीडिया कंपनी या विवादित कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर चलाने वाले एजेंसी के पास भेजा जाएगा। कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए दिया जाने वाला ऑर्डर सेक्शन 69A के तहत जारी किया जाता है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक वीडियो से जुड़े कुछ लिंक्स हटाए गए हैं जो सोशल मीडिया कंपनी से साझा हुए और राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में जिस घटना का जिक्र किया गया है वो करीब 2.5 माह पुरानी है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया और उसके बाद जो बवाल मचा उससे कोई अनजान नहीं है। आपने इससे पहले इस सेक्शन का जिक्र कर्नाटक के संदर्भ में सुना होगा, नहीं सुना तो बताते हैं। पिछले साल कर्नाटक में सेक्शन 69A की चर्चा हुई थी, जब सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी। ट्विटर ने अधिकारियों पर अपनी पावर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, ट्विटर ने धारा 69A के तहत जारी किए गए मंत्रालय के आदेशों को चुनौती दी थी। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को पत्र लिखकर अपने आदेशों का पालन करने या सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा खोने की बात कही थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि केंद्र के पास ट्वीट को ब्लॉक करवाने का अधिकार है। सरकार और ट्विटर के बीच ये मामला काफी चर्चा में रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।